नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयूकी की तरफ से बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम जितनी भी क्लासेज हैं सभी के एडमिशन का जो शेड्यूल है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और साथियों, केयूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, keyukeadmission.in के नाम से रहेगी। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ जो इंटरफेस देख पा रहे होंगे वेबसाइट का, वो सब खुलकर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ स्क्रीन पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि आपको प्रोस्पेक्टस की स्टडी करनी है तो यहाँ आप क्लिक करके प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखे हैं, कोर्सेज के नाम मेंशन कर रखे हैं, यदि आप स्टडी इनकी करना चाहो कर सकते हो, बहुत ही इजीली है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, कहाँ आपका लिंक है, क्या करना होगा। तो साथियों, यहाँ आप देखोगे सबसे पहले ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होगी। जैसे ही बेसिक डिटेल डालोगे, कुछ समय बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आपको प्राप्त होगा, वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद ये ऐड कैंडिडेट लॉगिन का जो है ऑप्शन है, यहाँ आके आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट करना होगा, आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले जब आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करो उससे पहले आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए, एक पेपर पे सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट हो, 12वीं का सर्टिफिकेट हो, और अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से नहीं बनवा के लेके आए हो तो आप बनवा के लेके आना, उसके बाद अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपसे स्कैन अपलोड करवाए जाएंगे। अब आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस प्रकार फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे साथियों, कुछ सर्चिंग के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद एक नया पेज खुल के आपके सामने स्क्रीन पर होगा। यहाँ आपको अपना नाम लिखना होगा। नाम सबसे पहले बताना चाहूँगा बड़े अक्षरों में लिखना होगा, छोटे अक्षरों में नाम नहीं लिखना है, क्योंकि यदि किसी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो बड़े अक्षरों में लिखे हुए नाम में आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, छोटे अक्षरों में लिखे हुए नाम को पढ़ने में आपको थोड़ी ही परेशानी होगी। उसके तुरंत बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करोगे, उसके नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मैं यह मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और उसके तुरंत बाद आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड का ध्यान रखा जाए कि पासवर्ड कुछ ऐसा हो जिसमें ऐट द रेट या फिर जो स्पेशल करेक्टर होते हैं उनका यूज़ ज़रूर होना चाहिए, और आप अपने नाम के हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड जो भी बनाते हो आपको याद रखना होगा, या कहीं आप पेन या पेपर लेके उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि भविष्य में वो आपको काम आने वाला है। ये सब डिटेल डालने के बाद मैंने नीचे कैप्चा डाल दिया, और अभी यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहोगे या फिर आगे के स्टेप पर चलना चाहोगे। मैंने यहाँ कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके मैं इसको आगे के स्टेप पर लेके जाना चाहूँगा। सर्चिंग चल रही है और यहाँ वेरीफाई का लिंक इन्होंने मेरी मेल आईडी पर भेज दिया है। मैं जैसे ही अपनी मेल को यहाँ ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ मुझे लिंक प्राप्त हुआ है नहीं। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करूँगा एक बार, क्योंकि मेल आईडी मैंने पहले से ओपन कर रखी है। आप भी अपनी मेल आईडी ज़रूर बना ले फॉर्म भरने से पहले, आपके पास खुद का मेल आईडी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स का या किसी भी पर्सन का मेल आईडी डालोगे, बाद में इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं। साथियों, यहाँ मुझे अपडेट्स के सेक्शन के अंदर केयूके के नाम से एक मेल प्राप्त हुई है, और यहाँ जैसे ही मैं इस मेल को ओपन करूँगा, ओपन करने के तुरंत बाद यहाँ नीचे आप देख पाओगे कि ये एक बड़ी सी लाइन दी गई है, ये एक वेरीफाई का लिंक है। इस लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो ईमेल आईडी है ये वेरीफाई हो गई है, और अब मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा से अपने ईमेल आईडी डालनी होगी जो आपने फॉर्म में सबमिट की थी। मैं यहाँ अपनी मेल आईडी जो है उसको मेंशन कर रहा हूँ। मेल आईडी मेंशन करने के जस्ट बाद आपको यहाँ नीचे अपना पासवर्ड टाइप करना होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। जैसे ही आप इस पासवर्ड को यहाँ टाइप करोगे साथियों, जस्ट नीचे आपसे कैप्चा कोड पूछा जाएगा, आपको यहाँ अपना कैप्चा डालना होगा, और इसको डालने के बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही 5 से 10 सेकंड की फिर से सर्चिंग लेगा, यदि आपके नेट की स्पीड अच्छी है तो सर्चिंग में ज़्यादा समय नहीं लेगा, तुरंत प्रभाव से इसको ये अगले पेज पर लेके जाएगा। जैसे ही आप अगले पेज पर चले जाओगे साथियों,
आपको आगे की जो स्टेप्स हैं वो सब कंप्लीट करनी होंगी, और उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको ये लॉगिन करना होगा। साथियों, ये कुछ इनवैलिड कोड का मैसेज मुझे शो कर रहा है, मैं एक बार पासवर्ड और कोड को दोबारा से टाइप करता हूँ, शायद इसमें डालने में कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है। आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप मिस्टेक करोगे तो फिर ये फार्म जो है आपसे सबमिट नहीं हो पाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैंने दोबारा से अपना कैप्चा फिल कर दिया है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ साथियों, ये मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके आया है। यहाँ साथियों पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आप अपने पिताजी का नाम डालना है। मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा डाल के दिखा रहा हूँ, मुझे बीएससी में या फिर एमएमएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है। मैं यहाँ डाटा डाल रहा हूँ आर यादव के नाम से, पिताजी का नाम सेव कर रहा हूँ, या माता का नाम पूछा जा रहा है साथियों। मैं यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल सुनीता यहाँ लिख के माता का नाम मेंशन कर रहा हूँ, सॉरी सुनील लिखा गया, SUNITA, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पूछा जा रहा है मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ मेंशन कर देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपसे यहाँ आधार नंबर पूछा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे कि आधार नंबर आपको सही डालना है, गलत आधार नंबर ना तो यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा और गलत आधार नंबर डालने पर आपको परेशानी होगी। यह पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या वर्क करते हैं, यदि वो एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर मेंशन करो, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट करो, जो भी काम करते हैं उसमें तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं, सब आपको सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप हरियाणा राज्य के निवासी हो, हाँ मैं हरियाणा का निवासी हूँ, तो मैंने यहाँ यस टाइप किया। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने कभी कोई कक्षा हरियाणा से मतलब कि पढ़ाई की है या फिर अन्य किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मैं हरियाणा से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो मैं अपना यहाँ यस टाइप करता हूँ। उसके बाद कैटेगरी पूछी जा रही है साथियों, तो मैं यहाँ अपनी BCB कैटेगरी मेंशन करता हूँ। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, BCB कैटेगरी जैसे ही मेंशन करोगे तुरंत प्रभाव से नीचे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ इसको टाइप किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ सब कैटेगरी पूछा जा रहा है कि भाई आप PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विस मैन, डिपेंडेंट या फ्रीडम फाइटर का कोई ऑप्शन है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे कुछ कैटेगरी और पूछी जा रही हैं, यदि आपके पास NCC NSS है तो इनमें से आप इसको पढ़ सकते हो, कश्मीर के रहने वाले हो। मेरे पास NCC थी तो मैं यहाँ NCC को टाइप करता हूँ, यदि आपके पास ऐसा हो तो ही भरें, अन्यथा इन डिटेल्स को ना डालें, आपको नहीं तो परेशानी हो जाएगी, वो सब सर्टिफिकेट शो करनी पड़ेंगी। इसके बाद साथियों एजुकेशन की डिटेल मांगी जा रही है, मैं यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, मैंने 10वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड से पास की थी, मैं क्वालिफाइड हूँ यानी कि मुझे कोई कंपार्टमेंट नहीं है, परसेंटेज बेसिस पे मेरा रिजल्ट आया था, रोल नंबर पूछा जा रहा है, सर्टिफिकेट पास में रखे, जो सर्टिफिकेट में रोल नंबर मेंशन किया गया था उसी रोल नंबर को डालें। उसके तुरंत बाद आपसे पासिंग ईयर पूछी जा रही है, मैंने अपने पासिंग ईयर मेंशन कर दिया है। उसके बाद पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स, मुझे 500 में से 10वीं में 450 नंबर प्राप्त हुए थे, यहाँ परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट करेगा सिस्टम। उसके बाद प्लस टू के बारे में पूछा जा रहा है, प्लस टू भी मैंने हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई की है और यहाँ मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैं क्वालिफाई हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कंपार्टमेंट नहीं है, परसेंटेज मैंने मेंशन कर दिया है। और आपसे फिर से अपना प्लस टू का रोल नंबर मांगा जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रहे कि रोल नंबर और ये जो डिटेल्स जो आपसे मांगी जा रही हैं उसको सही मेंशन करें। 2012 मैंने पासिंग ईयर किया और मुझे प्लस टू में 495 मार्क्स प्राप्त हुए, या कैलकुलेट होकर परसेंटेज आती है 99, जो भी आपकी है वो डालना। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 495 या कुछ ऐसी परसेंटेज प्राप्त हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद साथियों नीचे डिप्लोमा और UGPG की कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ये डिटेल्स उन विद्यार्थियों को फिल करनी है जिनके पास ये डाटा है। यदि कोई MSc में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो आपको UG की डिटेल या मेंशन करनी होगी। UG में आप अपीयरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि UG का अभी रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ अपीयरिंग का ऑप्शन है, आप फार्म को भर सकते हो, MSc वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। और यदि आप इस फार्म को भर लेते हो तो बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपसे डाटा अपडेट करवा लिया जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ हाउस नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि एड्रेस डिटेल, मैंने अपना हाउस नंबर सेलेक्ट किया। या मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपना विलेज बताइएगा, तो मैं विलेज में डाल देता हूँ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में यहाँ टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने अपना ज़िले का नाम यहाँ मेंशन किया, दोबारा से मेरे से सिटी पूछी जा रही है, शहर भी सेम रहेगा। यदि आप शहर के निवासी हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आपको अपना हाउस नंबर ज़रूर मेंशन करना है,
और आपको साथ में अपने मोहल्ले का नाम या फिर कस्बा जो भी है, गली गली कोई नज़दीक का जो भी एरिया है वो ज़रूर मेंशन करना है। स्टेट पूछा जा रहा है, हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, दोस्तों मैंने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट डाला। इसका पिन कोड जो है 12 10 123 029 मैंने अपना पिन कोड टाइप कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेशनलिटी इंडियन शो हो रहा है पहले से। आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, 10 से 20 सेकंड का फिर से समय लिया जाएगा और जैसे ही आपका जो डाटा है उसको चेक किया जाएगा। डाटा बिल्कुल आप बारीकी से एक बार डाटा को दोबारा से पढ़ लें। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि मिलती है तो आपको यहाँ नीचे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ जाके आपको इसको एडिट कर लेना है। मैंने जो डाटा डाला था मेरा बिल्कुल सही है। मैं यहाँ डिक्लेरेशन को टिक मार करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ समय बाद सर्चिंग के बाद नया पेज खुल के सामने आया। या मेरे से फोटो पूछी जा रही है कि भाई आपको फोटो डालनी है। साथियों एक चीज़ का ध्यान रहे, फोटो का साइज़ जो यहाँ बताया गया है उसी के अनुसार आपको डाटा डालना है। मैंने अपनी फ़ोटो का साइज़ बना रखा है जो कि 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। आप इसके लिए पेंट का यूज़ कर सकते हो या किसी अन्य फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। और आपको जब तक आप जो ये सिग्नेचर का साइज़, फ़ोटो का साइज़ यानी कि 10 से 20 KB बताया गया है, ये मेंशन नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ आगे लेके नहीं जाया जाएगा। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यदि कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है यानी कि किसी जाति से बिलोंग करता है, SC BC से शेड्यूल कास्ट से, आप अपनी जो जाति का फायदा लेना चाहते हो, आप छूट लेना चाहते हो, तो साथियों आपको BC OBC की जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, रिक्वायरमेंट है, वो आपको तैयार रखनी है, अपने पास रखनी है। नहीं बनवाई हो तो बनवा लेना किसी भी CSC सेंटर पे जाके, उसकी भी आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरे से 10वीं की सर्टिफिकेट मांगी, मैंने अपलोड की। साइज बता रहा है 100 से 500 KB। कोशिश हो कि 100 KB की बिना बनाई जाए, 400 KB 450 के आसपास होता कि वो जब इसको ओपन करके देखें यूनिवर्सिटी वाले तो इसको आसानी से देख सकें। उसके तुरंत बाद मैंने अपना +2 का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, सेम साइज है 100 से 500 KB। नीचे डोमोसाइल पूछा जा रहा है, मैं हरियाणा रेजिडेंस की सर्टिफिकेट यहां अपलोड करता हूं। फिलहाल मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आपको फॉर एग्जांपल डाल के यहां पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही दिखा रहा हूँ। जस्ट नीचे कैटेगरी पूछी जा रही है, क्योंकि मैं वहाँ BC कैटेगरी सेलेक्ट करके आया था, तो कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी, अपनी पास रखें। और फार्म भरने से पहले आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन जरूर कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरे पास NCC थी तो मैंने NCC को यस किया, या NCC की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यस करके आओगे, पीछे डिटेल डाल के आओगे, आगे आपको सभी सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करनी होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। या इनकम सर्टिफिकेट भी पूछा जा रहा है, दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है ये कंपलसरी ना हो, मैं एक बार इसको ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ और देखते हैं कि यदि कोई एरर आया तो फिर हमें इनकम सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करनी होगी। उसके बाद मेरे से पूछे जा रहा है कि आप अपना करेक्टर अपलोड करो। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, करेक्टर आपके स्कूल से बना के देंगे, आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, स्कूल वाले आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से जारी करके देंगे। ये सब डिटेल मैंने डाल ली है, या मैंने इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को ब्लैंक किया है, क्योंकि साथी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ या इनकम सर्टिफिकेट के बगैर फार्म भरा जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे हमसे इनकम की जानकारी ज़रूर पूछी गई थी जब मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की थी। मैं BC कैटेगरी का सेलेक्ट की थी तो वहाँ पूछा गया था कि आपकी इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए। मैंने वहाँ यस भी टाइप किया था। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। साथियों इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। यदि कोई BC कैटेगरी का स्टूडेंट है, कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसकी इनकम 6 लाख से कम है, या फिर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिसको SBC का EBPG का कोटा मिला हुआ है, दोस्तों उन छात्रों को भी अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। मैं इनकम सर्टिफिकेट भी अपने अपलोड करता हूँ। जब तक ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से अपलोड नहीं कर देते हो, आप फार्म नहीं भर पाओगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, ओके का बटन सामने आ रहा है, मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। और कुछ सर्चिंग के बाद दोस्तों पेज आगे खुल के दोबारा से आ रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ भी मुझे लग रहा है 10 से 20 सेकेंड लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे डाल दिए हैं। इन सभी की सर्चिंग होने के बाद इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाया जाएगा, और जैसे ही ये है नेक्स्ट पेज पर जाएगा, आगे की जो कोर्सेज की डिटेल मांगी जा रही हैं। यहाँ आपसे कोर्स पूछा जा रहा है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, काफ़ी सारे कोर्सेज नीचे मेंशन है। मैंने यहाँ कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, नीचे मैं देख रहा हूँ कोई UG का कोर्स सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं BSc सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ BSc। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लें।
सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड कोर्स पे क्लिक करना होगा। ऐड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो साथियों ये आपसे कुछ जानकारी आपको दिखाई गई है, यहाँ आपके कोर्सेज की फ़ीस दिखाई गई है, 200 रुपये इसके लिए फ़ीस कटेगी। जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया था वो यहाँ शो हो रहा है, 3 साल का कोर्स है। यदि आप इसको डिलीट करके चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ फीस स्टेटस अभी नोटपैड दिखाया जा रहा है, फॉर्म की प्रिंट निकालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि अभी तक हमने अपनी फीस है वो पे नहीं की है। फीस कैसे पे करनी है इसके आगे की प्रोसेस आपको अभी समझ लीजिए। फीस पे करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले SBI का है, ICICI पेमेंट गेटवे है, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस विद्यार्थी के पास SBI का ATM कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है वो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी विद्यार्थी किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड हो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। नेट बैंकिंग यदि है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने SBI को सेलेक्ट किया और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, SBI सबसे अच्छा बैंक है जो अच्छी सर्विसेज देता है। हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कस्टमरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बैंक सर्विस नहीं दे पाता है, बाकी जो SBI की ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं काफ़ी जो ब्रांचेज हैं उनसे बेहतर हैं। साथियों यहाँ डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जा रही है, यदि आपके पास डेबिट कार्ड है या कार्ड का नंबर मेंशन करें। नीचे आपको अपनी जो डेट डालनी होती है, ये कब तक वैलिड होता है, कार्ड के बैक साइड मिलेगा। CVV कोड ये भी कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का मिलेगा, आप डाल सकते हो। ना यहाँ नाम उसी बंदे का लिखना है जिसके ATM कार्ड से आप फीस पे कर रहे हो। पे पर क्लिक करोगे आगे की प्रोसेस होगी सिंपल सी, OTP आएगा, OTP डालना होगा और डालने के बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप वापस से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे, वहां आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। नीचे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग SBI का यदि बैंक है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो या टिक मार। अगर SBI का बैंक नहीं है तो साथियों आपको इनमें से किसी भी एक बैंक को चूज़ करना है जिसकी नेट बैंकिंग आपके पास है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप नेट बैंकिंग से फीस पे करते हो तो यहाँ आपको 5.90 रुपये कुछ ज़्यादा चार्ज पे करना होगा, जबकि मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ फीस केवल 200 रुपये ही शो हो रही है, इसमें GST वगैरह कुछ मेंशन नहीं कर रहा। यदि नेट बैंकिंग का यूज़ करता हूँ मैं, देखो मैंने जैसे नेट बैंकिंग का यूज़ किया, SBI को सेलेक्ट किया, यहाँ नीचे आप देखोगे कि 5.90 रुपये कुछ और ऐड होकर 205.90 पैसे यहाँ आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। साथियों आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, सेम प्रोसेस है, यू आगे जाके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मेंशन करना होगा। यदि आप भीम UPI से फीस पे करना चाहते हो तो यहाँ भीम UPI की अपनी आईडी टाइप कर सकते हो, आगे की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। और नीचे NEFT का ऑप्शन है साथियों, यदि आप NEFT करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आपका शायद चलान प्रिंट होके आ जाएगा। मैं एक बार NEFT पे यहाँ कुछ मोबाइल नंबर मेंशन करके देखता हूँ, सॉरी दोस्तों मोबाइल नंबर मेंशन हो रहा है या नहीं। और नीचे मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया यहाँ, ठीक है। उसके बाद मैं पे पर क्लिक करता हूँ, पे पर क्लिक करने के बाद ये कुछ सर्चिंग कर रहा है साथियों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक चलान की कॉपी डाउनलोड हो गई है। यदि किसी छात्र के पास अपना ATM कार्ड नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप इस प्रिंट को चलान को प्रिंट कर सकते हो और जैसे यहाँ सेव एज PDF या फिर प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल के आपको बैंक के अंदर जाना होगा, ब्रांच शाखा के अंदर, और वहाँ जाके आपको इस फीस को डिपॉजिट कराना होगा। साथियों आप इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी है नहीं है। यदि किसी छात्र को इस फार्म को भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे, ज़रूर आपकी रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, आप उसको भी फॉलो कर लें। आपको यदि कोई मैसेज की रिप्लाई नहीं मिल पाती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ सभी बच्चों की रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि कॉमेंट की संख्या कुछ ज़्यादा हो जाती है, हज़ारों की संख्या में कॉमेंट हो जाते हैं। हो सकता है किसी कारण आपका कॉमेंट ना पढ़ा जाए, फिर आप ये कहो कि सर आपने कहा था कॉमेंट का रिप्लाई करूँगा और आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्मों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। आज की वीडियो में आपके साथ यही सब शेयर करना था, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।